हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? मैं फिर हाजिर हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर। दोस्तों, इस तरह के शॉपिंग बैग सबके घर में पड़े होते हैं। आज मैंने भी दो शॉपिंग बैग निकाले हैं। एक जो है बहुत पुराना ज्वेलरी बैग है और एक बैग और है जो कि बेकार सा पड़ा हुआ था, तो मैं सोच रही हूँ इनका रीयूज़ करते हैं। तो आप देख सकते हैं, पहले मैं इस तरह से इसे काट लूँगी। दोनों बैग्स को मैं इस तरह से स्ट्रिप्स के तौर पे मैंने काट लिए हैं। अब ये देखिए, ये जो वाइट वाला है इसे मैं इस तरह से सुई धागे की मदद से आपस में अटैच करती जाऊंगी और इसे मैं बना लूंगी। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का DIY। तो आप देख सकते हैं, मैं इसे थोड़ा थोड़ा इस तरह से मोड़ रही हूँ और सुई धागे से इसे मैं गोल गोल करके आपस में सिल रही हूँ। इस प्रोसेस को आप ग्लू गन की मदद से, ग्लू की मदद से भी कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर सुई धागे का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि इससे हमें मजबूती मिलेगी। ठीक है, ये देखिए, इसे इस तरह से सर्क्यूलर मोशन में मोड़ मोड़ कर, देखिए इस तरह से गोला बनाते हुए हमें आपस में इसे सिलते जाना है। ठीक है, देखिए दोस्तों, हमें इस तरह का सर्कल हमने बना लिया है। आप चाहें तो इसका डोरमेट भी बना सकते हैं, मगर मैं यहाँ पर कुछ और बना रही हूँ। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, मैंने अब क्या किया है कि ये जो मैंने सर्कल बनाया था, अब जो मैं इसके ऊपर जिस तरह से हम कटोरी बनाते हैं या कटोरे बनाते हैं, उस तरह से मैं इसके ऊपर लगाने लगी हूँ। ठीक है, और इस तरह से ही मैं इसे बढ़ाती जाऊंगी। ये देखिए, ये इस तरह से धीरे धीरे बनता चला जाएगा। दोस्तों देखिए, मैंने इसे इस तरह से बना लिया है। अब ये जो पट्टी है इसे मैं बाहर की तरफ जोड़ूंगी और इसे इस तरह से सिलती चली जाऊंगी। इसकी भी हम दो तीन लेयर बना लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम इसे बनाते चले जाएंगे।
दोस्तों इस तरह से ये बनकर तैयार हो जाएगा। मैं चाहूँ तो इसे सिंपल भी रख सकती हूँ, बट मैं चाह रही हूँ कि इसमें थोड़ा सा मैं पेंट ऐड कर दूँ, तो यहाँ पर मैं स्प्रे पेंट यूज़ कर रही हूँ गोल्डन कलर का। और चलिए अब हम इसमें स्प्रे पेंट कर देते हैं ताकि ये इसमें एक अच्छा सा एक लुक आ जाएगा। अब ये बहुत अच्छी तरह से सूख चुका है, तो मैं सोच रही हूँ इसमें थोड़ा सा डेकोरेशन करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं ग्लू लगा रही हूँ दोस्तों, और ये कुछ बचे कुचे ऊन हैं जो मैं ग्लू की मदद से इसमें इस तरह से लगा दूँगी। इसे हम सूखने के लिए छोड़ देंगे और आप देख सकते हैं खूबसूरत सा गुलदस्ता बनके तैयार है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर मिलूंगी अपने अगले वीडियो में। टिल देन बाय।